वंस अगेन वेलकम क्लास सिक्स इन अवर ऑनलाइन क्लास। क्लास सिक्स आज हम हमारे ब्रेविया बुक से जो ग्रामेटिकल हमारा पोर्शन है इसमें चैप्टर नंबर थ्री द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, चैप्टर नंबर थ्री द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर यू हैव सीन there is a table and it shows subject and predicate. Look and read these examples. Sumita helps her mother in the kitchen. We have lost the match. All the passengers are feeling thirsty. The boy in the blue shirt is my cousin. Our country got independence in 1947. Now read, as you might have noticed that the word in the left columns are the names of person, things or their pronouns. They are subjects. जो left side में column है यहाँ पर हम देख रहे हैं या तो किसी व्यक्ति का नाम है या pronoun है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और जो right side में है, राइट साइड में सिमिलर द गिवन एग्जाम्पल द वर्ड्स इन द राइट हैंड कॉलम से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट एंड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेइंग समथिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट। तो लेट्स, व्हाट इज सब्जेक्ट? ए सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस। This is the definition of subject. A subject is someone or something that is being talked about in a sentence. यानी कि subject sentence का वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। And a predicate is what we say about the subject in a sentence. It must have a verb. ए प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में वर्ब भी होना आवश्यक होता है, वर्ब की भी आवश्यकता होती है। और ये जो प्रेडिकेट है ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिफाइन करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद छोटी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज टाइम 3.1। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। इन सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को तो सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट पोर्शन है प्रेडिकेट को हमें अंडरलाइन करना है। जैसे ए रोज हेयर इज सब्जेक्ट, सर्कल कर देंगे इसको यहाँ पे ऐसे। और स्मेल्स नाइस, ये हो जाएगा अंडरलाइन। द पेपर बॉय डिलीवर्स द न्यूज़पेपर, द पेपर बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डिलीवर्स द न्यूज़पेपर ये आपका प्रेडिकेट हो गया। माई फ्रेंड नोमिता आपका सब्जेक्ट हो गया। और वॉन द विनर मैराथन ये आपका प्रेडिकेट हो गया। जस्सी एंड आई बोथ आर सब्जेक्ट हेयर, तो राउंड कर देंगे इसको और ये कर देंगे हम अदर पोर्शन अंडरलाइन। रशीद नाउन है तो इसको राउंड कर देंगे। मेड द टच डाउन इसको कर देंगे अंडरलाइन। ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हेयर इज सब्जेक्ट एंड फ्लोटेड ओवर द बुश, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट 7 to 15 आपको क्या करना है, इन सेंटेंस सब्जेक्ट को राउंड करना है और जो प्रेडिकेट पोर्शन है प्रेडिकेट पोर्शन को आपको अंडरलाइन करना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.2 पर आ जाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सप्लाइंग सूटेबल प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अनुसार हमें प्रेडिकेट से इसको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है दिस ब्लू अम्ब्रेला,
बिलिंग कुछ भी हमें सेंसफुल बनाना है उसको, किसी भी तरह सेंस आनी चाहिए. बिलोंग्स टू मी, कुछ भी सेंस कर सकते हैं हम. सेंटेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए सेंटेंस, सेंसफुल आना चाहिए. हर ग्रैंड मदर हैज़ गॉन टू द विलेज. ठीक है बेटे. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल declared has declared the holiday. Fourth, all the members of this team are dedicated. सभी सदस्य कैसे हैं? डेडिकेटेड है. हर रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड यस्टरडे. बेटे इस तरह उसी तरह सेंटेंस को सेंसफुल बनाते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. और 6 to 14 यहाँ पर भी एक्सरसाइज में भी आपके लिए होमवर्क है. नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.3. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पर एक बार फिर आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट सेंटेंस, रस्किन बॉन्ड हैज रिटन सेवरल स्टोरीज. तो नेम अगर आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है ये आपका सब्जेक्ट हो गया. द कैप्टन ऑफ द सिप, द कैप्टन ऑफ द सिप सब्जेक्ट हुआ. ऑल द डॉग्स ऑफ द स्ट्रीट, All the dogs of the street, ये सब आपका subject हुआ. Shoe noun है. Princess Sarah noun है, subject हो गया. The man in blue shirt subject हुआ. His brother subject. C pronoun है, subject. Underline the predicate in the following sentence. Exercise 3.4 में हमें क्या करना है, हमें करना है predicates को underline करना है. यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो रेस्ट पोर्शन क्या बचता है, रेस्ट पोर्शन बचता है हमारा प्रेडिकेट. और हमें सब्जेक्ट को छोड़ देना है, बाकी पोर्शन को अंडरलाइन कर देना है. आवर सिटी रिसीव्स रेनफॉल. सिटी को छोड़ दीजिए, अदर पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट है. नाउ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट है. वर्क्स इन ए बैंक, अदर पोर्शन को अंडरलाइन कर दीजिए. ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक, ये सारा सब्जेक्ट हुआ. हैव टर्न्ड येलो, ये प्रेडिकेट हो गया. He goes to the church on Sunday. He subject है, बाकी सारा portion predicate है. His uncle, his uncle subject हुआ. Other rest portion क्या हुआ, predicate हो गया. Our school canteen, our school canteen subject हुआ. Open till 3 PM, ये आपका predicate portion हो गया. All the employees of national bank, all the employees of national bank subject here. Will be on strike tomorrow is predicate here. Devika and her mother, this is subject here. Go for a walk together, predicate. Trust in God, trust in God, यहाँ पर क्या हुआ, trust in God. All the portion is predicate here. All the portion is predicate. Do not pluck flower, do not pluck flower, यहाँ पर आपका सारा portion क्या हुआ, predicate है. Now exercise 3.5, complete the following sentence, complete the following sentence by using appropriate subject. Subject की help से हमें इसको पूरा करना है. जैसे teaches English, किसी का भी नाम यहाँ पे fill कर सकते हैं, किसी को भी नाम से हम fill करके पूरा कर सकते हैं. Subject subject करना है. Mr. David teaches us English. Is the king of jungle, lion. Is the king of jungle. Should not stain your eyes by reading in bad light. So you should not stain your eyes. Fourth, need oxygen to live. Need oxygen to live. किसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लीव के लिए, all of us. इस तरह सेंसफुल बनाते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है. फिफ्थ,
ट्रीज गिव अस फ्रूट, कौन देता है? ट्रीज देते हैं, तो ट्रीज को कंप्लीट कर देंगे। एंड 6 to 10 दिस इज योर होमवर्क, 6 to 10 आप कंप्लीट करेंगे। आप सेंसफुल बनाते हुए द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस क्या करती है? रन्स बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, तो इसको फर्स्ट से जोड़ देंगे और सेंटेंस कंप्लीट आपको यहाँ लिखना है। माउंट किलिमंजारो टू हैज़ ए लाइव वोल्केनो ऑन इट, ये टू हो गया। थ्री ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर गोइंग टू एजुकेशनल टूर टू जयपुर, ये थ्री हो गया। द ब्रिटिश रूलर्स फोर नंबर पर लेफ्ट आवर कंट्री, लेफ्ट आवर कंट्री 1947, ये आपका फोर हो गया। और इसके भी फोर यहाँ तक हमने कर लिए हैं। जो रेस्ट पोर्शन है ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, अदर को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद आप मुझे सेंड कर देंगे। ध्यान से करना है सभी को, जो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बेटे आज का काम आपका इतना ही है, ओके बाय।